एक और सरकार के शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सभी बच्चों को अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करती है। इन सब के बीच एक स्कूल ऐसा भी है जहां बच्चों की सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षक और बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ती और पढ़ाते हैं। अररिया प्रखंड के पैकटोला पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय करहरा की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि इन बच्चों को स्कूल का सुधि लेने वाला कोई नहीं है। भगवान भरोसे बच्चे और शिक्षक दोनों जान जोखिम में डालकर यहाँ रहने को मजबूर है। आज से 15 साल पहले स्कूल का निर्माण हुआ था। उस समय के HM और विद्यालय समिति द्वारा भवन निर्माण कार्य को अधूरा छोड़कर सारी राशि का गबन कर लिया गया था। स्कूल का पूरा भवन अधूरा है, न तो छत है और न ही खिड़की और गेट है। नीचे का जमीन भी कच्चा है। ऐसे में ये जर्जर भवन का दीवार कब गिर जाए कहना मुश्किल है। स्कूल चारों तरफ से खुला है, किसी तरफ बाउंड्री नहीं है, वहीं चारों तरफ सड़क है। बच्चे को स्कूल आने और जाने में हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसको लेकर ग्रामीणों में भी आक्रोश है। स्कूल की प्रधानाध्यापक इन दिनों दिल्ली में इलाज करा रही है। प्रभारी प्रधानाध्यापक अफसाना ने बताया कि पिछले 15 साल से स्कूल की यही स्थिति है। पूर्व के HM और सचिव गबन के आरोप में जेल भी जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद स्कूल को कोई फंड नहीं मिला, जिससे यहाँ के शिक्षक और बच्चों को भी काफी दिक्कत होती है। किचन का भी बुरा हाल है, यहाँ गेट नहीं रहने के कारण कोई सामान सुरक्षित नहीं है। इन समस्या के बारे में जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अमीरुल्लाह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं भी स्कूल भ्रमण में गया था। सही मायने में विद्यालय की स्थिति काफी जर्जर है। मैंने इसको गंभीरता से लिया है, जल्द समस्या के समाधान की दिशा में बेहतर काम हो। सर, स्कूल तो हम जब से आए तो ऐसी ही हालत में, पहले मदरसे में चल रही थी, अभी उसके बाद 2018 में यहाँ पे लाया गया। जब पैसा वैसा आया इसको ठीक करके, तब फिर इसमें लापरवाही विभाग की भी होगी। और इसमें हम क्या कहते हैं, दिक्कतें होती हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं बहुत दिक्कत, बरसात में भी दिक्कत हो जाती है, बारिश इधर से आता उधर से आता है, बरसात में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कितने शिक्षक हैं आप लोग? हम लोग तीन शिक्षक हैं, तीन शिक्षिकाएं हैं, जेंट्स कोई भी नहीं है, तीनों लेडीज हैं। HM नहीं है जी, HM चिकित्सा अवकाश में गई है, छुट्टी पर है जी, छुट्टी पर है। कितने बच्चे यहाँ पर नामांकित? बच्चे नामांकित 140 थे, इसमें 5 क्लास अभी निकल गए हैं, तो वही 105 बच्चे, 105 बच्चे होंगे। लेकिन ज़्यादा यहाँ 20 बच्चे लगभग दिख रहे हैं। नहीं सर, 30-40 होंगे जी। और बच्चे नहीं आए? नहीं, जमजान का है ना, तो बच्चे नहीं आए, अकेले हैं। बच्चे कुछ भाग भी जाते हैं खिड़की से, फान के इधर से उधर से। प्रभार है मैं जी, प्रभार है। क्या नाम है आपका? अफसाना खातून। यहाँ पर कभी पदाधिकारी आते हैं कि नहीं जाँच वाले? जी आते हैं, DM पदाधिकारी और BO सब भी आए हैं। उन्होंने कुछ बताया नहीं इनके बारे में? बोले ठीक है, वो भी आए तो देखे तो पहले ही परेशान हो गए, फिर बोले कि ठीक है देखते हैं। स्कूल की स्थिति इतनी जर्जर है, कब से ऐसा है और क्या लगता है कि यहाँ पर बच्चे सेफ हैं? नहीं नहीं सर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्कूल की स्थिति शुरू से ही ऐसी ही दयनीय स्थिति है। इस पर टीन भी नहीं था। 2018 में कहीं दूसरी जगह से मदरसे में, कहीं प्राइवेट मदरसे में स्कूल चल रहा था, वहाँ से इनको यहाँ लाया गया। उसके बाद जो विकास मद की राशि आती है सरकार के द्वारा हर साल 50,000 रुपये, उस राशि से हेडमास्टर को कह के इनके ऊपर टीन वगैरह दिलवाया गया, जो अभी भी दयनीय स्थिति में। टीन कभी भी बच्चों पर गिर सकता है, सेफ नहीं है, बारिश होने पे अंदर में पानी लग जाता है। और स्कूल में हमारे तीन शिक्षिकाएँ ही हैं, 2022 से हम इसके, मेरी वाइफ सचिव बनी है और हमारे पिताजी ही इसके भूमिदाता, और वो इस दुनिया में रहे नहीं। और हमारी यही मांग है सरकार से कि इस स्कूल को डेवलप किया जाए, और ताकि यहाँ के बच्चे, जो 150 बच्चों का नामांकन है इस स्कूल में, सुरक्षित और सही शिक्षा पा सकें। एक जेंट्स टीचर की भी आवश्यकता यहाँ है, उनको पूरा किया जाए। बैठने के लिए बच्चों की व्यवस्था, बैठने का भी नहीं, बेंच वगैरह नहीं है, जमीन पे बैठ के? जमीन पे घर से बच्चा बोरी लाकर बैठते हैं। आप जरा अगर उनको दिखा पाएँ तो वो चीज़ को भी दिखाएँ, ऊपर जो उनके टीन का हालत है वो दिखाएँ। और इस तरह से ये जो देखिए कि पूरा अतिक्रमण ग्रामीणों द्वारा, हम कह के हमको परसों भी किसी बात में, तो बराबर हम लड़ाई तो नहीं कर सकते, हम जो भी बात है विभाग को हम बताएंगे। ये भवन की हालत को देखें सर, यहाँ भवन नहीं है, शौचालय जब से बना, पहले ये भवन बना था, ये भवन 2010 के आसपास, लगभग 13 वर्ष पहले, पूर्व पूरा बना भी नहीं, जिस हालत में था वैसे ही वो आज भी है, दयनीय स्थिति में। शौचालय जब से बना चालू नहीं हुआ, आप उनका भी दिखा सकते हैं। और किचन सेड बहुत बुरे स्थिति में, बुरे हालत में है, वहाँ पे पानी टपकता है, पूरा चावल सड़ जाता है जिसके कारण।
तो बीओ आए थे यहाँ पर कुछ दिन पहले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? बीओ साहब से आखिर में हमारी भी मुलाकात हुई, वो हमारे नंबर भी लिए, हमने यहाँ से उनको पूरा यहाँ का हालात वो खुद भी देखे और हम मोबाइल के जरिए भी उनको व्हाट्सएप करते रहे कि सर देखें जरा यहाँ पे कुछ हो सके आपके प्रति, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही यहाँ पे हम डेवलप करवाएंगे, डेवलपिंग का काम शुरू होगा। तो हमें उनके आश्वासन से बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद है कि जल्द इंशाल्लाह कुछ। देखिए इससे पहले जब यहाँ पे स्कूल पहले थी नहीं, ठीक है, नौसरजीत प्राइमरी स्कूल है, और जब शुरू शुरू में जब इसका फंड आया था तो उस वक्त जो हेड मास्टर थे उनके मिली भगत से ये स्कूल का ये हाल जर्जर हाल है, क्योंकि इसमें पूर्ण मटेरियल नहीं दिया जा रहा था। ग्रामीण ने इसका अपोज़ किया, अपोज़ करने के बाद काम रुका, जिसके वजह से विभाग के द्वारा ये जेल भी गए हैं, ठीक है। उसके बाद अभी तक यही हाल है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप खुद देख रहे हैं, आप अपना विजुअल कर लीजिए कितना क्या है, और यहाँ का अभी का जो प्रेजेंट परिस्थिति है, सबसे पहले तो इसमें बाउंड्री भी होनी चाहिए, और 3 लेडीज़ टीचर है, इसमें 5 क्लास है, इसमें 4 टीचर तो ऑलिनल होना ही चाहिए। सबसे पहले तो आप जेंट्स टीचर का इसमें होना चाहिए, एक जेंट्स होना चाहिए, ताकि यहाँ के कॉपरेशन को हर बात को, कभी कोई लेडीज़ अकेली रहती है, खुला मैदान है, कोई अभद्र बात हो गया तो सबके इज्जत पर आ जाएगा, ठीक है। बच्चों को भी खतरा है, देख लीजिए। और सबसे पहली बात है इसका छत देखिए, छत में तो कुछ है ही नहीं, कब गिरेगा, कौन बच्चा को क्या हो जाएगा, या हम ही लोग खड़े हैं तो हम लोग सेफ नहीं है अभी अभी इस वजह से। तो इसका जिम्मेदार सरकार है, और सरकार विभाग से बोला जाए, विभाग के द्वारा इसको देखा जाए, आप लोग मीडिया के थ्रू उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, और हम लोग ग्रामीण तो हम लोग ग्रामीण ही हैं, हम लोग अपने हिसाब से जो है हो ही जाएगा, लेकिन आप भी मेरी बात को आगे बढ़ाएं। अररिया में खुल गया मोबाइल एवं लैपटॉप सेल एंड सर्विस स्टोर। यहां पर आपको मिलेगा हर ब्रांड का नया एवं रिफर्निश मोबाइल फोन, लैपटॉप, डाटा केबल, स्क्रीन कवर, चार्जर सहित हर प्रकार का मोबाइल एवं लैपटॉप एसेसरीज। यहां पर 30 मिनट में रिपेयरिंग की सुविधा और डोर टू डोर रिपेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। मोबाइल हो या लैपटॉप, कम कीमत पर यहाँ उपलब्ध है। तो आज ही पधारे, हमारा पता है फिक्स मैन मल्टी सेल एंड सर्विस स्टोर, एडीबी चौक पेट्रोल पंप के बगल में अररिया। मोबाइल नंबर 9507609276 और 06453350035।